दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं दीपक, कृषि बाजार फॉर यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। आज का नीमच मंडी का आवक का अपडेट देख लेते हैं। लहसुन प्याज अन्य सभी जिन्सों का कैसा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों गेट के बाहर कोई वाहन नहीं है, जैसा कि कल ही हमने आपको वीडियो में कहा था कि रात्रि को ही प्रवेश दिया जाएगा और बाकी प्रवेश बंद रहेगा। शनिवार को मंडी नहीं चलेगी, शनिवार का अवकाश है। आवक की स्थिति की बात किया जाए तो लगभग 400 वाहन हाल फिलहाल प्रांगण के अंदर है और कट्टों में लगभग 5,500 कट्टों के आसपास में, तो 400 वाहन लगभग 30 बोरी का एक वाहन मानो तो 12,000 बोरी के आसपास में और कट्टों की लगभग 5,500 के आसपास में है। तो 17 से 18 हजार की आवक कह सकते हैं अपन, और 17 से 18 हजार बोरी है। कल भी नीलाम शाम को 6 बजे तक चला था जिसका हमने वीडियो दिया था, 20,000 बोरी कल बिक चुका था। तो 17-18 हजार बोरी के आसपास आवक है, तो आज सारा माल नीलाम हो जाएगा तो कोई भी पेंडिंग तो नहीं रहेगा, 18,000 के आसपास माल बिक जाएगा इतना तो। और प्याज की आवक लगभग 700-800 कट्टों के आसपास में है, प्याज में तो सीमित आवक है। अन्य सभी जिन्सों की आवक की बात करें तो गेहूं लगभग 2,000 बोरी के आसपास में है और मक्का लगभग 500 बोरी के आसपास में, सोयाबीन 3,500 बोरी के आसपास में, नई सरसों रायडे की अच्छी आवक आ रही है, 4,000 से ऊपर आवक है, 4,500 के आसपास नई सरसों रायडे की। मान के चलिए नीलाम 11:30 चलता है, 5,000-5,500 सरसों रायडे की आवक भी बन सकती है। और मेथी लगभग 500 बोरी, नया धनिया लगभग 1,500 बोरी के आसपास आवक है, उड़द 300 बोरी, चना 300 बोरी, डॉलर में बड़ी सीमित आवक है, गिने चुने ढेर आ रहे हैं। और अलसी में भी सीमित आवक है, इसबगोल 150 बोरी, कलौंजी 150 बोरी के आसपास आवक है। तो कुल मिलाकर आव के अन्य जिन्सों में तो सीमित है, अश्वगंधा में अच्छी आवक आ रही है, लगभग 500 बोरी के आसपास रोजाना आवक है और कल कुछ अश्वगंधा में बड़ी गिरावट भी थी। तो यह है आज का आवक का अपडेट नीमच मंडी का, लहसुन प्याज व अन्य सभी जिन्सों का। 9:30 बजे नीलाम चालू होगा तो 10-10:30 बजे तक आपको लहसुन का भाव का अपडेट भी दिया जाएगा। तो एक किसान मित्र कहाँ से आए हो दादा? छोटी सादड़ी राजस्थान से है और ऊँटी लहसुन, ऊँटी लहसुन लेकर आए। तो दोस्तों देशी तो इधर राजस्थान का थोड़ा लेट ही आएगा, ऊँटी लहसुन की आवके हैं और आवके मंडी प्रांगण पूरा फुल है, आवके अच्छी है। तो दोस्तों गेट के बाहर कोई वाहन नहीं है, सभी वाहनों को प्रवेश दे दिया गया था कल और आज सुबह से प्रवेश बंद है, कल रात को 10 बजे बाद। तो लगभग एक भी वाहन बाहर नहीं है और प्रांगण के अंदर बम्पर आवके हैं जो मैंने आपको दिखाई है, लगभग 400 तो वाहन है और कट्टों में बम्पर आवके हैं, देखते हैं पूरी आवक। तो दोस्तों ये आवक का अपडेट है कट्टों के अंतर्गत, ये आवक देख सकते हैं आप, तो आवके फुल है, अच्छी है और जोरदार है। तो कल शनिवार का अवकाश है, माह का द्वितीय शनिवार है और उम्मीद और आशा है आज सारा माल बिक जाए, शायद वो 5:30 कल भी 6 बजे तक नीलाम चला था। तो आवके तो फुल है, प्रांगण पूरा भरा हुआ है, प्रांगण के बाहर कुछ भी वाहन नहीं है क्योंकि कल से अनाउंस कर दिया था कि प्रवेश नहीं देंगे रात को 10 बजे बाद, ये आवक का स्थिति। दोस्तों ये आवक की पूरी स्थिति देख सकते हैं आप, आवके तो लगभग कट्टों में भी अच्छी ही है और ट्रॉलियों में तो है ही है, 400 वाहन ट्रॉलियों में खड़े हुए हैं, एक एक वाहन गिन के आया हूँ पूरा। और ये कट्टों की आवक की स्थिति आप देख सकते हैं, थप्पियाँ लगी हुई है, अच्छी थप्पियाँ हैं और देशी लहसुन की आवके भी बड़ी है। ये पूरा आवक का स्थिति नीमच मंडी का, ये आवक की स्थिति इस साइड की भी आप देख सकते हैं कट्टों में, तो बीच में गैपिंग भी है, दूरी भी है कुछ इतनी, और तो कुल मिलाकर कट्टों में आवक कमी है और बजाय ट्रोलियों के। और ये पूरी स्थिति आवक की आप ये देख सकते हैं कितनी दूरी दूरी पर लौट है। भैया नमस्कार, और कहाँ से हो दादा? सरोदा से आए हैं दोस्तों ऊँटी लहसुन लेकर, और ये आवक की स्थिति पूरी आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर कट्टों में आव के कुछ दूरी पे है, कम दिख रही है कल के मुकाबले, मगर आवक तो अच्छी है, वाहनों में लगभग 400 वाहन पक्की आवक है। और नमस्कार जी, नमस्कार। तो यह आवक की स्थिति आप देख सकते हैं पूरी नीमच मंडी की, तो आव के अच्छी है। तो कुल मिलाकर आज का माल बिक जाएगा, कल शनिवार का अवकाश है, फिर रविवार अवकाश है, 2 दिनों तक मंडियाँ बंद रहेगी। तो ये लास्ट स्थिति यहाँ तक की आवक, और वाहन लगभग 400 और ये कट्टों की आवक।